दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल कृष्णा क्रिएशन में। दीपावली में दीपदान किया जाता है, ये सब जानते हैं, और जो है जम का दिया निकाला जाता है। कहा जाता है कि जम का दिया हम यम देवता के लिए निकालते हैं ताकि उनसे प्रार्थना कर सकें और अपने घर परिवार के लिए सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो जम दिया जलाने का और निकालने का कुछ खास नियम है। इन बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं। कहा जाता है अकाल मृत्यु जैसे संकट कभी नहीं आते हैं। तो अकाल मृत्यु नहीं होती है। घर की महिलाएं इस दिन धनतेरस के रात यम का दिया निकालती हैं। यम के दिया को बनाने के लिए आप गेहूं के आटे का अच्छे से गूंथ करके एक लोई बना लें और चार मुख बना करके दिए को बनाएं। उस पर सरसों तेल और चरमुखी दिया लगा करके घर के बाहर जब सभी घर के परिवार खा पी कर सो जाएं तो रात में ये दिया निकालना चाहिए और गेट के उत्तर तरफ रख दें। माना जाता है कि उत्तर दिशा जो है यम देवता का दिशा माना जाता है, और यमदेव इस देव को स्वीकार करके आपके परिवार की सुरक्षा करते हैं, आपके परिवार पर आने वाले सभी संकट को टाल लेते हैं। तो यम की दिया निकाली जाती है। बहुत लोग यम की दिया जो है दीपावली के जम दिया यानी धनतेरस के दिन निकालते हैं। कुछ लोग जो हैं वो धनतेरस से लेकर के भाई दूज के दिन तक ये दिया निकालते हैं। तो इस दिया को जलाने का परस्पर ये बहुत पुराना जो है नियम है, और सभी घर की महिलाएं जो ये कार्य को करती हैं। यम कहा जाता है कि यम दिया निकालने समय जो भी भगवान से यम देवता से सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है, उनका आवाहन करता है, तो उनके घर में संकट आने का समय होता है वो टल जाता है। किसी प्रकार का संकट नहीं आता, उनके परिवार में सुख और समृद्धि का वास होता है और यम की कृपा हमेशा उनके परिवार पे बनी रहती है। तो यम दिया निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और ये दीपावली का समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। तो आई होप कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लग रही हो फ्रेंड। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी जम दिया के अभाव में, जानकारी के अभाव में कुछ गलतियाँ करते हैं तो वो गलतियाँ ना करें। जम दिया में कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है। जम दिया को आप गेहूं के आटे से पहली बार बनाएं, उसमें थोड़ा सा सरसों तेल ज़रूर डालना चाहिए। सरसों तेल में शनि देव का जो है वो आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, इसलिए सरसों का तेल का उपयोग ज़रूर करें। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप पुरानी दिया से भी जो आपने दिया पहले यूज़ किया है, नई दिया इस दिन नहीं दिया जलाया जाता है, नई दीप को नहीं प्रज्वलित किया जाता है, तो आप पुराने दिया से भी निकाल सकते हैं। तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का ख्याल रख करके आप अपने परिवार और घर परिवार में खुशहाली को बनाए रख सकते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने पुरखों को प्रसन्न कर सकते हैं। जम दिया से हमारे पुरखों को शांति मिलती है। तो आई होप कि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करें। जय माता दी।